नगर निकाय चुनाव के लिए रविवार को भारी संख्या में प्रत्याशियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशियों ने कहा कि जो भी वार्ड के अधूरे कार्य हैं उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जो भी शासन के द्वारा योजना चलाई जा रही है उसको जनता तक पहुँचाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद पद के प्रत्याशी आनंद साहनी, करण साहनी, मनीष चौहान ने कहा। नंबर वार्ड से आपने नामांकन किया? 54 नंबर गोरख नगर। क्या प्राथमिकता रहेगी जनता के लिए आपको? विकास की प्राथमिकता। क्या ऐसा कार्य आपके वार्ड में जो नहीं पूरा हो पाया जितने बार पूरा? रोड नाली कोई चीज़ सही नहीं है, बिजली खंभे हैं, कोई चीज़ व्यवस्थाएं हैं, हर जगह गड्ढा ही है। पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, कोई काम नहीं हुआ है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? बस यही मुद्दा है, विकास की मुद्दा। आनंद कुमार साहनी। वार्ड से आपने नामांकन किया? 39 गाय घाट। क्या प्राथमिकता रहेगी जनता? प्राथमिकता का यही रहेगी कि हम अपने अगर पार्षद हो जाएंगे तो मैं अपने गांव सभा का सब अपना देखभाल करूंगा, अपना काम जो भी चीज़ें हैं जो भी सही नहीं है उसको हम पूरा करेंगे। नाली हुआ, जिससे सड़क हुआ, जैसे हमारे वार्ड में अभी तो सफाई कर्मी भी नहीं है, नाली भर जाता है, कोई देखने नहीं आता है। करण साहनी। 11 नंबर वार्ड बड़गो। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्रताप का तो अच्छा रहेगा, मतलब काम करेंगे पूरा अच्छे से सारे लोग। क्या ऐसी कमियां जिसको दूर करेंगे? गलियों का रोड देखेंगे, नाली देखेंगे, जो अच्छा लगेगा बनाएंगे, जो खराब होगा उसको मेंटेन करेंगे पूरा। हर चीज़ लाइट रूट नहीं है, आप लाइट बनाएंगे पूरा। मनीष चौहान।